शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई जी, आप तो जानती हैं ना, अभय को तकलीफ में देखकर मम्मी जी कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देती हैं। एक माँ का दुख समझते हैं। काश ये दर्द कीर्ति भी समझ सकती। अरे एक मौका नहीं दिया उसने मेरे भाई को अपनी सच्चाई साबित करने का। इस घर के सदस्य होने का फर्ज तो निभाती वो। फर्ज से हम इस घर की बहू हैं, लेकिन कानून का पालन करना हमारा धर्म है। काश ये बात आप समझ पाते वरुण जी। अब है हमारा भी परिवार है, लेकिन कानून रिश्ते में ही सबूत मांगता है और अभय के खिलाफ सबूत है। मेरे खिलाफ होकर ये अचानक कौन दुश्मन पैदा हो गया जिसने मुझे इस तरह फंसाया। ये बात तो मुझे कल से ही खाई जा रही है, जब से मैंने कुणाल को उसी दफ्तर में देखा। अगर तुम इन सब के पीछे हो तो इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे कुणाल। बुआ जी, कुछ तो बात है जो समझ नहीं आ रहा। कोई तो ऐसी बात जो सही नहीं बैठ रही है। मगर कोई बात नहीं, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। ले जाओ इन्हें, लॉकअप में बंद कर। समझ नहीं आ रहा मेरे खिलाफ ये सब कुछ कौन कर सकता है, किसने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार। मैडम, मुझे अभय त्रिपाठी से मिलना है। दीदू, ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है आपने? दीदू, हम मानते हैं कि अभय चोर नहीं है, लेकिन अभी उसे हिरासत में रखना हमारी मजबूरी है। आपकी ये बहन अभय के बेगुनाही का सबूत लाने में आपकी मदद करेगी। कीर्ति, मैं जानती हूँ तो उसकी मदद करेगी, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है अभय के साथ, कम से कम मैं एक बार जान तो लूं कि इन सब के पीछे की वजह क्या है। ठीक है, बस 5 मिनट दे सकते हैं आपको, जाइए। थैंक यू। यार तुम क्यों आई हो यार? पहले से ही मेरा सर फट रहा है, अब तुम अपनी बातों का थोड़ा मत मारना उस पर। तुम जाओ यार यहाँ से। अबे मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। हाँ, जैसे तुम्हारी बहन ने मेरी मदद की वैसे तुम भी करना चाहती हो। अबे तुम्हारे पास फिलहाल हम पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पहले ही अपने गुस्से से रायता फैला चुके, अब जब तुम्हें मौका दे रहे हैं तो क्यों नहीं सुन रहे हो दीदू की बात? अबे एक बार सुन लो ना श्रद्धा क्या कहना चाह रही है। अबे आपके ऑफिस में इन 2-3 दिनों में आपको कुछ अजीब सा महसूस हुआ है? शुरू से ही सब अजीब था। सामने से फोन आया इंटरव्यू के लिए, किसी ने मेरी सिफारिश की और 2 मिनट के इंटरव्यू में मुझे नौकरी भी मिल गई, जबकि मैंने पहले कभी कोई काम भी नहीं किया है। हाँ, मुझे भी ये बात अजीब लगी थी जब आपने कहा था कि आपको ये लोग दुगनी तनख्वाह दे रहे हैं, और अब ये चोरी का इल्जाम। क्या इन दिनों आपके ऑफिस में कोई ऐसा आया है जिस पर आपको शक हो, या फिर आपके आसपास कोई आया हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। सॉरी सर, सॉरी। मेरे ऑफिस का पियून, वो मेरे कैबिन में आया था और उसे गलती से मेरे टेबल से फाइल गिर गई थी। उसे उठाने के लिए वो झुका था और मेरा बैग वहीं था। कहीं उसने जानबूझकर तो ये। इसका मतलब
इस बात की पूरी सच्चाई वो पियून जरूर जानता होगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता उस श्रद्धा को। मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो यहाँ जरूर आएगी अभय के लिए सबूत इकट्ठा कर, इसीलिए जैसा बोला है वही कर, समझे? कोई बात नहीं सर जी, उसकी तेज तरारी आज हम ठीक कर देंगे। अभी ठीक करते हैं उस पियून को, चार डंडे लगाएंगे ना, खुद ही सब बक देगा। नहीं कीर्ति, मेरे ख्याल से ना तुझे इस मामले में भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्हें जरा से भी भनक लग गई ना कि हमारे पीछे पुलिस है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ करेंगे। इससे अच्छा है कि उस पियून से ना मैं जाके बात करती हूँ। ठीक है दीदू, पर ध्यान से, आपके पास बस 2 घंटे, 2 घंटे है सबूत लाने के लिए, वरना हमें अभय का केस रजिस्टर करना पड़ेगा, और एक बार केस रजिस्टर हो गया ना तो सुनवाई सिर्फ कोर्ट में हो पाएगी। कीर्ति, तूने मुझे इतना ही वक्त दिया है ना, यही बहुत है, मैं चलती हूँ। अब श्रद्धा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं रोशनी जी, आप इस वक्त यहीं रुकिए, मुझे अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होगी ना मैं आपको जरूर फोन करूंगी। ओके, ध्यान से, और अगर खतरा लगा तो तुरंत फोन करिएगा। पक्का। एक्सक्यूज मी, मैं एक NGO के लिए काम करती हूँ, लोगों के हक की लड़ाई करती हूँ। अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा हो या फिर उनको उनकी तनख्वाह वक्त पे नहीं मिली हो। हाँ हाँ, लेकिन हम यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, एक मिनट। अब बस मैं ये जानना चाहती थी कि इस दफ्तर में आपकी तनख्वाह कितनी है? 5,000 महीना मैडम। 5,000 महीना, ये तो बहुत ही कम है। अरे सो सॉरी, प्लीज उठा दीजिए इसे। चोर, चोर, तुमने मेरे हाथ से मेरी घड़ी चोरी की ना? कौन सी घड़ी, कैसी घड़ी? हम आपको छुए तक नहीं मैडम, ये आप जबरदस्ती हम पर इल्जाम मत लगाइए मैडम। देखो अपनी इस भोली शक्ल का ना तुम फायदा मत उठाओ। अभी अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। देखिए ग्लोबल गारमेंट्स के कर्मचारी किस तरह से दिन दहाड़े मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे सामने उन्होंने मेरे हाथ से मेरी घड़ी चोरी कर ली, ये देखिए। ये आप क्या कर रही है मैडम जी? मैडम प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम जी, हमारे पेट पे लात मत मारिए मैडम जी। अच्छा तो ये क्या है? यही मेरी घड़ी तुमने चोरी की ना? ये वहां कैसे आई? मैडम जी भगवान की कसम हमने ये चोरी नहीं की। ठीक है, तो तुम अब मुझे ये बताओ कि तुमने अभय त्रिपाठी के साथ क्या किया है, बताओ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।